नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक खास टॉपिक के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सावन सोमवार की पूजा करते समय आपको किस रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि किस रंग के वस्त्र आपको पहनने चाहिए। अगर आप इस रंग के वस्त्र पहनते हैं तो इससे आपको पूजा करने से खास लाभ मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सनातन धर्म में श्रावण मास का एक अपना ही महत्व होता है और यह महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है और इस दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप एक लोटा जल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। तो भगवान शिव को हरा रंग सबसे ज़्यादा प्रिय है और इसीलिए सावन के महीने में जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो हरे रंग के वस्त्र जरूर धारण करें। और सावन के महीने के अलावा भी भक्त शिवरात्रि पर भी हरे रंग के वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। और भगवान शिव की पूजा के समय आप हरे रंग के अलावा नारंगी, लाल, पीला और सफ़ेद रंग के वस्त्र भी उत्तम माने जाते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको किस रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं धारण करने चाहिए पूजा करते समय। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय उनके प्रिय रंग के वस्त्र धारण करने से जहाँ शुभ फल मिलता है, वहीं उनके अप्रिय रंग के वस्त्र धारण करने से वे क्रोधित हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान की पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कैसे वस्त्र आपको पहनने हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा के समय पुरुषों को धोती धारण करना उपयुक्त माना जाता है और साथ ही जिन कपड़ों को आप पूजा के समय पहन रहे हैं वह साफ़ सुथरे हों। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं कि आप नए कपड़े ही खरीद कर पूजा करें। और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सर्वोत्तम माना गया है। और इसके अलावा यह भी मान्यता है कि आप जो भी प्रसाद शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं उसका सेवन खुद नहीं करना चाहिए और सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।